आगरा पुलिस ने बीएसएनएल के गार्ड रूम से बरामद की शराब। आगरा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल थाना सदर पुलिस द्वारा बीएसएनएल ऑफिस के तारघर मैदान में गार्ड रूम से शराब की बोतलें बरामद की हैं। पकड़ी गई शराब की बोतलों की कीमत लगभग 1,50,000 रुपए बताई जा रही। गार्ड रूम से शराब की बड़ी संख्या में बोतलें बरामद होने से पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपी से पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही आगे की कार्रवाई को अमल में लाया जाएगा। इस मामले में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है। सदर थाना क्षेत्र में शराब पकड़ी गई है। कितनी शराब पकड़ी गई है, इसकी अनुमानित कीमत क्या है और कितने लोगों को गिरफ्तार किया? थाना सदर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सदर क्षेत्र में स्थित बीएसएनएल के ऑफिस के गार्ड रूम में दबिश डाली और उसे वहां पर शराब मिली। वहां से थाना पुलिस ने 630 शराब की बोतलें बरामद की हैं, जो कि दूसरे राज्य के मार्का की हैं। और उसके साथ उसने गार्ड रूम में जो गार्ड है उसको गिरफ्तार किया गया है। और उससे पूछताछ में यह तथ्य सामने आया है कि पंकज बघेल पुत्र मदन गोपाल निवासी राम विहार कॉलोनी थाना सदर जनपद आगरा, ये उसका माल था और ये पूर्व में भी इसके ऊपर शराब तस्करी के अभियोग पंजीकृत हैं और ये वांछित किया गया है। जल्द से इसे पकड़कर इसे गिरफ्तार किया जाएगा। शराब की कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए की है। अभी तक जो पूछताछ में बताया सामने आया है कि गार्ड रूम में पंकज बघेल ने इनके साथ मिलकर गार्ड रूम में रखा था। नहीं, अभी तक किसी अधिकारी का नाम सामने नहीं आया है। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हाँ, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका आरओआई 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आए।